रहा, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग वर्डपैड। तो सबसे पहले देख लेते हैं जी वर्डपैड होता क्या है। हमारे कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। नोटपैड, देन नोटपैड के बाद वर्डपैड, ऐसे दो सॉफ्टवेयर्स हैं, टेक्स्ट एडिटर हैं, जो हमारे विंडोज़ में हमें पहले से ही मिलते हैं जब हम विंडो की इंस्टॉलेशन करते हैं। अगर हमें कोई एडवांस सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे कि एमएस ऑफिस का कोई भी अपग्रेडेड वर्जन चाहिए, तो वो हमें नेट से डाउनलोड करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट उसको हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करके उसका यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए फिलहाल हम यहाँ पर आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्डपैड। तो वर्डपैड को ओपन कैसे करेंगे, उसकी डिफरेंट कमांड्स को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, देन उसके बाद जो जो हम कमांड्स एग्जीक्यूट करेंगे उनका क्या क्या वर्किंग है, देन क्या क्या उसके शॉर्टकट्स हैं, वो सारा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्डपैड को ओपन करने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना होगा विंडो आर। विंडो आर की प्रेस करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे राइट, यहाँ आप राइट लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं वर्डपैड, दोनों ही यहाँ पर आप कमांड्स लिखेंगे रन प्रॉम्प्ट पर। यहाँ पर जब आप एंटर करेंगे, यहाँ पर आपका वर्डपैड ओपन हो जाएगा। देन आप यहाँ पर देखिए जो वाइट एरिया यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है, उसको हम बोलते हैं वर्किंग एरिया या पेज। कंट्रोल देन माउस का सेंटर बटन, उससे आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अदरवाइज ये देखिए बिल्कुल यहाँ जो मेरी कॉर्नर साइड है, राइट कॉर्नर, यहाँ पर देखिए ये यहाँ एक स्लाइडर लगा है, स्लाइडर से आप इसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं पेज की विड्थ को। नाउ आफ्टर दैट पहले इसका जो इंटरफेस है वो हम समझ लेते हैं। सबसे देखिए टॉप मोस्ट बार है वो हमारी टाइटल बार, यहाँ पर मेरी क्विक सेस टूल बार है। क्विक सेस टूल बार का मीनिंग क्या है, जो आप कमांड ज़्यादा यूज़ करते हैं यहाँ से उनके शॉर्टकट्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ देखिए आप इसको जो यहाँ पर देखिए क्विक सेस टूल बार आ रही है, यहाँ से आप इसको डाउन भी मूव कर सकते हैं। ये देखिए शो बिलो यहाँ पर आ गई, अदरवाइज इसको अवर पे भी शो कर सकते हैं। फिलहाल मुझे ये बिलो चाहिए तो मैं बिलो कर सकता हूँ इसको, जस्ट यहाँ ये जो मेरा ड्रॉप डाउन एरो आ रहा है। देन आफ्टर डैट राइट हैंड साइड पर देखिए यहाँ थ्री बटन्स आ रहे हैं, टोगल बटन्स। सेंटर जो मेरा बटन है, दिस वन इज स्टोर, दिस वन इज मिनिमाइज, और दिस वन इज क्लोज बटन। यहाँ से मेरा जो यहाँ वर्ड पैड है थोड़ा छोटा हो जाएगा। बैक एंड पे कुछ भी देख सकते हैं डेस्कटॉप पर, क्या आपके फाइल्स वगैरह अवेलेबल हैं, इसको यहाँ से बड़े कर दीजिए। देन आपका पूरा ये जो वर्ड पैड का इंटरफेस है पूरा बड़ा हो जाएगा। क्रॉस से क्लोज से आप इसको बंद कर सकते हैं, मिनिमाइज से आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। जब मिनिमाइज करेंगे यहाँ पर देखिए अपना माउस पॉइंटर लेकर जाइए, यहाँ पर अवेलेबल है, इसको नॉर्मल क्लिक करिए, और हमेशा आप लेफ्ट क्लिक का यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए डिस्प्ले हो गया। देन उसके बाद यहाँ पर फाइल मेन्यू है, फाइल मेन्यू में सेम न्यू से मेरा न्यू फाइल आएगा, यहाँ रिसेंटली फाइल्स आएंगी जो मैंने पहले सेव की हैं, ओपन से एग्जिस्टिंग फाइल ओपन होगी, सेव से हम फाइल को सेव कर सकता हूँ, सेव ऐसे रीनेम कर सकता हूँ, प्लस उसको डिफरेंट फॉर्मेट्स में सेव कर सकता हूँ, प्लस किसी अलग फोल्डर में, ड्राइव में, पेन ड्राइव में, फ्लैश ड्राइव में, सीडी डीवीडी में उसको वहाँ मूव कर सकता हूँ। प्रिंट से हम उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू से देख सकते हैं कि हम प्रिंट की प्रीव्यू मेरी कैसे होगी प्रिंट निकलने से पहले। क्विक प्रिंट से मेरा डायरेक्टली प्रिंट निकलेगा, और प्रिंट से क्या होगा, जैसे जो हमने वर्ड पैड में कमांड्स की थी, यहाँ पर आप पेजेस ऑल का सिलेक्शन कर सकते हैं, पेजेस की सिलेक्शन कर सकते हैं, और कितनी कॉपी चाहिए यहाँ फिल करके अप्लाई करके प्रिंट कर देंगे, उतनी आपकी कॉपीज आ जाएंगी। देन आफ्टर डैट आप जो आपने फाइल क्रिएट किया उसको सेंड भी कर सकते हैं। अबाउट वर्ड पैड में वर्ड पैड के रिलेटेड बताएगा कि विंडो का कौन सा आप वर्जन यूज़ कर रहे हैं, देन उसके बाद डिटेल बताएगा। आफ्टर डैट लास्ट में एग्जिट, एग्जिट का आपको पता है कि आप यहाँ जो मेरा वर्ड पैड एडिटर ओपन है आप इसको क्लोज कर सकते हैं। देन उसके बाद होम है, होम में देखिए मेरे क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट, एडिटिंग, ये मेरे सब मेन्यूज़ हैं, सब यहाँ पर मेरे फॉन्ट्स हैं, प्लस यहाँ पर देखिए फॉन्ट्स है, पैराग्राफ्स है, इंसर्ट है, एडिटिंग है, क्लिप बोर्ड है, यहाँ से आप इनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कैसे एग्जीक्यूट करेंगे हम वीडियो में डिस्कस करते हैं। देन आफ्टर डैट व्यू में मेरे व्यू के रिलेटेड यहाँ पर कमांड्स हैं। फिलहाल हम पहले होम पर जाएंगे, यहाँ पर हम पहले पेज में कुछ लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए रूलर है, रूलर के यहाँ जो मेरे यहाँ इंची शो कर रहे हैं, यहाँ पर ये हमारे इंडेंट्स हैं, यहाँ से आप इंडेंट्स चेंज भी कर सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पर देखिए यहाँ मेरी स्टेटस बार है, यहाँ पर आपका स्लाइडर बता रहे हैं कि आपने कितने परसेंट जूम किया है, और अगर आपका कैप्स लॉक ऑन है या ऑफ है यहाँ पर देखिए डिस्प्ले कर रहा है। नाउ आफ्टर दैट चलिए कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले कट कॉपी देन पेस्ट कमांड है हमारे क्लिपबोर्ड के अंदर। कट से क्या होगा, मैं टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह उसको मूव कर सकता हूँ कट करके। सिलेक्शन कीजिए टेक्स्ट की, यहाँ से कट कर दीजिए, कट हो गया, जहाँ पर भी आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर कर्सर ले जाइए। देन आफ्टर दैट कर्सर वहाँ रख लीजिए, देन आफ्टर दैट आप पेस्ट से क्या करेंगे, वो जो टेक्स्ट आपने कट किया वहाँ से
उसको जिस भी लोकेशन पर पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि आपका कर्सर उस लोकेशन पर होना चाहिए जहाँ आप टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट वन इज़, मैं इसी टेक्स्ट को अगेन कॉपी कर रहा हूँ, सॉरी कट कर रहा हूँ, बट ये टेक्स्ट मुझे यहाँ नहीं चाहिए, ये टेक्स्ट मुझे यहाँ चाहिए लेकिन एक सिंपल फॉर्मेटिंग के साथ। तो उसके लिए आप अगेन पेस्ट में जाएंगे, पेस्ट के लिए ये कि छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो इस पर क्लिक कर दीजिए ना, उसके बाद चले जाइए पेस्ट स्पेशल में। पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद सबसे पहले तो वर्ड डॉक्यूमेंट एज इट इज़ आएगा, पिक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा ये जो आपका अबाउट कंप्यूटर है, थर्ड वन में जो हमारा रिच टेक्स्ट फॉर्मेट है, जो हमारी वर्ड पैड की फाइल की एक्सटेंशन है, नॉर्मल वैसे ही शो करेगा। अनफॉर्मेटेड जो हम इसमें करना चाहते हैं वो करेंगे। अनफॉर्मेटेड से क्या होगा, जो भी मैंने यहाँ से कॉपी किया था टेक्स्ट अबाउट कंप्यूटर उसका कलर रेड था, ना उसमें कुछ मैंने और भी कमांड्स अप्लाई की थी, वो सारी कमांड्स को रिमूव कर देगा और एक नॉर्मल टेक्स्ट शो करेगा। तो अनफॉर्मेटेड को क्लिक सेलेक्ट कर आप ओके कर देंगे। यहाँ पर देखिए बिल्कुल एक नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। नाउ अब इसको सेंटर करना चाहते हैं, सेंटर के लिए यहाँ से मैं सेंटर अलाइनमेंट चूज़ कर लूँगा, देन ये देखिए मेरा सेंटर में आ गया। आफ्टर डैट कॉपी से क्या होगा, कॉपी से हमारी डुप्लीकेट कॉपी तैयार होगी। अगर आपको किसी कमांड का शॉर्टकट या मीनिंग नहीं पता लगता, ये देखिए मैंने कॉपी पर अपना माउस पॉइंटर रखा है, यहाँ पर मेरा शॉर्टकट देन कमांड का मीनिंग भी शो कर रहा है, आप उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट और वो जो कमांड है उसका मीनिंग क्या है। तो फिलहाल इसकी मुझे कॉपी चाहिए, ज़रूरी नहीं इसकी, किसी भी क्या कॉपी कर सकते हैं, ये टेक्स्ट की चाहिए, इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से कॉपी किया, ये मुझे टॉप पे चाहिए। पहले मैंने कर्सर को यहाँ से एंटर किया, एंटर मीन्स नेक्स्ट लाइन, टॉप पे आ गया, देन यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, देन इसकी सेंटर अलाइनमेंट ले ली। ऐसे आप उसको कट से क्या होगा, मेरा टेक्स्ट मूव होगा, कॉपी से क्या होगा, उसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट होगी, और यहाँ मैंने पेस्ट में जाकर पेस्ट स्पेशल में अनफॉर्मेटेड किया था, उससे क्या कहा जो भी मैंने फॉर्मेटिंग वगैरह दी अपने टेक्स्ट को वो सारी रिमूव हो जाएगी। अगर आप किसी भी टेक्स्ट को इरेज करना चाहें उसको सेलेक्ट करें, देन कीबोर्ड से एरो बटन्स के ऊपर डिलीट किए उसको प्रेस कर दें, आपका वो टेक्स्ट रिमूव हो जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ कर्सर रख के बैक स्पेस का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बैक स्पेस आपका 1x1 करेक्टर्स को रिमूव करेगा। सो मैं फिलहाल डिलीट वाला आपको मेथड बता रहा हूँ, वो ज़्यादा यूज़ करें अगर आप बिगनर हैं ना। उसके बाद क्लिपबोर्ड के बाद है हमारा फॉन्ट। फॉन्ट में सबसे पहले होता है हमारा फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, फॉन्ट की लुक आप कैसे देना चाहते हैं। फॉन्ट स्टाइल को हम फॉन्ट फैमिली बोल देते हैं। यहाँ पर देखिए डिफरेंट स्टाइल्स है, जो भी आप देना चाहें उसको आप यहाँ से दे सकते हैं, बट कंडीशन सेम वही है आपका टेक्स्ट पहले, जो भी आप टेक्स्ट यहाँ पर लिखते हो वो पहले सिलेक्टेड होना चाहिए। आप इसको भी दे सकते हैं, देखिए जो मैं यहाँ पर अलग अलग पैराग्राफ्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ उनको अलग अलग टेक्स्ट की यहाँ जो लेआउट है जिसको हम फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट फैमिली बोल देते हैं वो दे सकते हैं। उसको आप इटैलिक कर सकते हैं, इटैलिक मीन्स थोड़ा सा तिरछा थोड़ा सा टेढ़ा, अंडरलाइन मीन टू से आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं पूरे को करना है, आप किसी पर्टिकुलर को भी सिलेक्ट करके ऐसे अंडरलाइन कर सकते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक को कर लीजिए दिस वन। आफ्टर आप कुछ लाइंस को स्ट्राइक थ्रू भी करना चाहें, मीन टू से मिडल में से लाइन लेकर आना चाहिए, ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद साइज़ आप उसका इंक्रीज़ करना चाहते हैं पहले सेलेक्ट करें, यहाँ से आप ग्रो फॉन्ट से साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ से साइज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं श्रिंक फॉन्ट से, देन आफ्टर डैट यहाँ से भी साइज़ इंक्रीज डिक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर खुद मैनुअली भी आप नंबरिंग फिल कर सकते हैं, 21 चाहिए 21 दे दिया मैंने। सो यहाँ से जो फॉन्ट का मिनिमम साइज़ है वो 8 है और जो मैक्सिमम वो है 70, उसको याद रखिए क्योंकि ये बार क्वेश्चंस वगैरह में पूछा जाता है। देन आफ्टर डैट ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है इसका मैं कोई कलर देना चाहता हूँ, उसके लिए मैं जाऊँगा टेक्स्ट कलर पर, जैसे ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर जो भी आपको कलर अच्छा लगता है उस पर क्लिक कर दीजिए, ये देखिए वो कलर वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। देन आफ्टर डैट कई बार आप नोट्स वगैरह बनाते हैं बाय यूजिंग कॉपीज, उसमें आप हाइलाइटर का यूज़ करते हैं अपने जो भी मेन मेन पॉइंट्स उनको हाईलाइट करने के लिए, सेम इसमें भी एक हाईलाइटर होता है। सबसे पहले जो जो आपके मेन पॉइंट्स है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, देन दिस वन इज़ हाईलाइटर। हाईलाइटर के यहाँ देखिए छोटा सा एरो आ रहा है, इसको क्लिक करिए, देन जो भी आपको कलर देना है हाईलाइटर का वहाँ से क्लिक कर दीजिए, ये देखिए वहाँ से हाईलाइटर आ रहा है दिस वन, ये देखिए जहाँ जहाँ आप हाईलाइट करना चाहते हैं टेक्स्ट को वहाँ से उस पर्टिकुलर लाइन को पर्टिकुलर वर्ड को सेलेक्ट कर लीजिए, देन आफ्टर दैट यहाँ से हाईलाइटर का यूज़ करिए। ये तो थे मेरे फॉन्ट के, लेकिन फॉन्ट में दो चीज़ें रहेगी, फर्स्ट वन इज़ सबस्क्रिप्ट, नेक्स्ट वन इज़ सुपर स्क्रिप्ट, इनका यूज़ कैसे करेंगे। अब देखिए मैं कोई यहाँ पैराग्राफ लिख रहा हूँ, यहाँ पर मुझे फॉर्मूला चाहिए H2O या ए स्केयर, स्मॉल ए लेते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, पहले यहाँ टू को सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ से देखिए सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट मीन टू से जो आपका यहाँ टू सेलेक्टेड है
वो बिलो लाइन में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, जो भी आपने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है या नंबर लिखा है, ये देखिए डाउन में आ गया। अपर पावर लेनी है उसको बोलेंगे हम सुपर स्क्रिप्ट। पहले यहाँ टू को सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ देखिए सुपर स्क्रिप्ट, लेकिन देखिए जिसको आप ऊपर मूव करना चाहते हैं उसी यहाँ करेक्टर को, वर्ड को, नंबर को सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ से फर्स्ट वन हो गया, देन ऐसे ही सेकेंड वन। अगर आप मल्टीपल सिलेक्शन करना चाहें कंट्रोल प्रेस करके, आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। फिलहाल ये मल्टीपल सिलेक्शन की जो हमारी कमांड है वर्ड पैड में वर्क नहीं करती, ये हमारी वर्क करती है एम एस वर्ड, देन एम एस एक्सेल, देन पावर पॉइंट में। फिलहाल वर्ड पैड में ये कमांड वर्क नहीं करती, उसके लिए आपको जस्ट नॉर्मली सेलेक्ट करके यहाँ से सब या सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करना होगा। नाउ ये तो हो गए हमारे क्लिपबोर्ड के बाद फॉन्ट के टूल्स। नेक्स्ट वन इज़ पैराग्राफ। पैराग्राफ से क्या होगा, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है अबाउट कंप्यूटर, ये जो मेरी अलाइनमेंट है मैंने सेंटर में रखी है, यहाँ पर देखिए सेंटर शो भी कर रहा है, शॉर्टकट कंट्रोल ही है। अगर आप इसको राइट हैंड साइड पर या लेफ्ट हैंड साइड पर रखना चाहें, दिस वन इज़ लेफ्ट, दिस वन इज़ राइट, वो भी रख सकते हैं। ये देखिए दिस वन इज़ मिडल। जस्टिफाई देखिए क्या है, जस्टिफाई मीन टू से आपका पैराग्राफ दिस साइड से और दिस साइड से इक्वल हो, पैरेलल हो, यहाँ से आप जस्टिफाई कर सकते हैं। फिलहाल मेरा पैराग्राफ पहले से ही जस्टिफाई है। नाउ आफ्टर एट बुलेट्स, यहाँ देखिए मैं इनको बुलेट्स देना चाहता हूँ। बुलेट्स मीन्स नंबरिंग। नंबरिंग देखिए डिफरेंट टाइप्स की है, डॉट्स हैं, नंबरिंग है, यहाँ नंबरिंग है, यहाँ अल्फ़ाबेट्स हैं, यहाँ रोमन वर्ड्स है, यहाँ कैपिटल रोमन वर्ड्स है, जो भी आपको चाहिए उस पर क्लिक कर दीजिए, देन वो नंबरिंग अप्लाई हो जाएगी। अगर आप रिमूव करना चाहो कि आपको नंबरिंग नहीं चाहिए, नन पर क्लिक कर दीजिए, जो भी आपने बुलेट्स नंबरिंग दी है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ लाइन स्पेसिंग, ये जो आपने यहाँ टेक्स्ट लिखा है आप इनके बीच में लाइन स्पेसिंग इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहो यहाँ से कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग से क्लिक करिए, ये देखिए 1.5, ज़्यादा से ज़्यादा 2 कर सकते हैं। डिक्रीज़ करनी है यहाँ से डिक्रीज़ कर सकते हैं, अपनी नीड है आपकी कि आप कितनी लाइन के बीच में स्पेसिंग रखना चाहते हैं। आफ्टर डैट दिस वन इज़ अवर पैराग्राफ इंडेंटेशन, ये क्या करता है, जैसे ये मेरा पैराग्राफ है, आप इसको कितना कितना मार्जिन देना चाहते हैं। टॉप से मैंने लेफ्ट से दे लिया 2, राइट से दे लिया 2 और फर्स्ट लाइन से दे लिया 1, देन आफ्टर मैंने ओके कर दिया, उसके अकॉर्डिंग देखिए ये मेरा पैरा पूरा एक पर्टिकुलर कॉलम में कन्वर्ट हो गया। सो आप ऐसे भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर नहीं करना अगेन इसमें जाइए, यहाँ तो अंडू कर लीजिए, जब यहाँ से जैसे बाई डिफ़ॉल्ट था वैसे कर लीजिए, देन ओके कर दीजिए। ये देखिए जैसा मेरा बाई डिफ़ॉल्ट था वैसे ही यहाँ जो मेरा पैराग्राफ था कन्वर्ट हो गया। नाउ आफ्टर डैट पिक्चर, पिक्चर के लिए यहाँ मैं थोड़ा सा टेक्स्ट इरेज कर देता हूँ सो डैट आपको क्लैरिटी हो जाए। पिक्चर में जाइए, यहाँ पर पिक्चर में क्लिक करूँगा मैं, यहाँ से आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे गया मैं, यहाँ से जिम्प में चला जाता हूँ, यहाँ से मैंने दिस वन पिक्चर इंसर्ट की, देन ओपन कर लिया। यहाँ पर देखिए पिक्चर आ गई, पिक्चर को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर देखिए हैंडल्स आ रहे हैं, हैंडल्स से आप पिक्चर को छोटा बड़ा कर सकते हैं, 6 यहाँ पर हैंडल्स आ रहे हैं, इसका प्लेस होल्डर्स भी बोल देते हैं। ये देखिए अगर आप पिक्चर को आगे पीछे मूव करना चाहिए कर्सर से आगे पीछे मूव कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से अलाइनमेंट तो की है सेंटर, दिस वन इज़ अवर राइट, दिस वन इज़ अवर लेफ्ट। जस्टिफाई तो फिलहाल आपको बताया ही है, वो टेक्स्ट की सेटिंग करेगा। ये देखिए आप पिक्चर को ऐसे मूव कर सकते हैं, ऐसे ही ड्राइंग वगैरह भी कोई आप इंसर्ट करना चाहो वो भी यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। ड्राइंग में जाइए, यहाँ से आप कोई शेप वगैरह भी इंसर्ट करके कर सकते हैं, कोई नेम वगैरह लिख सकते हैं यहाँ से बाई यूजिंग पेन टूल्स, अदरवाइज़ यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये देखिए मैंने कोई यहाँ टेक्स्ट वगैरह लिख दिया, देन आप यहाँ से जब क्लोज करेंगे वो जो आपने टेक्स्ट वहाँ लिखा है वो ऑटोमेटिक यहाँ एक पिक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से भी आप प्लेस होल्डर से हैंडल्स उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, आपकी नीड है कि आप उसको कितना जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं। यहाँ से भी इसको आप मूव करना चाहो जस्ट एरो बटन की हेल्प से आप इसको मूव कर सकते हैं। ये देखिए अदरवाइज इरेज करना चाहो सेलेक्ट करिए इरेज, मीन टू से डिलीट कर दीजिए। नेक्स्ट वन, अब देखिए डेट एंड टाइम, मुझे अपने टेक्स्ट मीन टू से ये जो टेक्स्ट लिखा है उसके नीचे डेट एंड टाइम चाहिए, या आपने फाइल बनाई है आप चाहते हैं कि उसमें डेट एंड टाइम इंसर्ट हो जाए, तो उसके लिए डेट एंड टाइम कमांड है, यहाँ पर जाइए, जो भी आपको डेट एंड टाइम का फॉर्मेट चाहिए वो यहाँ से ले लीजिए, देन आफ्टर ओके कर दीजिए। ये देखिए जो मेरा फॉर्मेट था वो यहाँ पर अप्लाई हो गया। अब ये देखिए यहाँ कलर क्यों आया, बिकॉज ये मेरी कमांड कॉन्टिन्यूशन में थी, इसलिए यहाँ पर जो मेरा यहाँ कमांड का फॉन्ट या कलर चल रहा था वो यहाँ ही चल रहा है। यहाँ पर भी देख लीजिए एंटर किया मैंने, यहाँ पर ले रहा हूँ दिस वन, यहाँ देखिए क्यों मेरा यहाँ हाईलाइटर आया, बिकॉज यहाँ भी हाईलाइटर वर्क कर रहा था। तो इसलिए अगर आपको ऐसी कमांड्स को रिमूव करना तो पहले वहाँ से वो कमांड डीएक्टिवेट करनी होगी। नो कलर कर दिया, देखिए नॉर्मल में कन्वर्ट हो गया। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में क्या होगा, इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाइए, यहाँ से आपके जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, ऐप्स हैं एम एस ऑफिस की,
वर्कशीट चार्ट वो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मैं वर्कशीट पे क्लिक करके डिस्प्ले एज आइकन करूँगा तो आइकन आएगा, आइकन के अंदर वर्कशीट होगी, उस पर आप वर्क कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप आइकन पर नहीं क्लिक करना चाहते, नॉर्मल क्लिक कीजिए, ओके कर दीजिए। देन आफ्टर ओके यहाँ पर स्प्रेडशीट ओपन होगी एक्सेल की वर्कबुक में। यहाँ फिलहाल थोड़ा टाइम ले रहा है। यहाँ पर आप डिटेल लेंगे, मैंने लिखा रोल नंबर 1 2 3 4, देन लिखा रिजल्ट मैंने यहाँ पास 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 पास। देन यहाँ पर देखिए जब मैंने क्लोज किया ये मेरा रिजल्ट यहाँ पर इंसर्ट हो गया। अब इनकी अलाइनमेंट सेंटर क्यों आई, बिकॉज जब मैंने वर्क कर रहा था तो अलाइनमेंट मेरी सेंटर थी। तो आप यहाँ से उसको लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, आपकी नीड, आप कैसे टेक्स्ट को रखना चाहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अवर फाइंड रिप्लेस एंड सेलेक्ट ऑल। तो सबसे पहले फाइंड देख लेते हैं, फाइंड क्या है। देखिए फाइंड क्या आता है, अगर आप अपनी फाइल में से पर्टिकुलर किसी वर्ड को फाइंड करना चाहो तो आप विद द हेल्प ऑफ फाइंड कमांड कर सकते हैं। जैसे मुझे फाइंड करना है कंप्यूटर। अब देखिए इस फाइल में मेरे कंप्यूटर कितने हैं, जो मैंने यहाँ टेक्स्ट लिखा है, फर्स्ट कंप्यूटर, सेकंड, दिस वन इज थर्ड, देन फोर्थ दिस वन। जब मैंने फाइंड किया ये भी फाइंड कर रहा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लेकिन मैं वही कंप्यूटर चाहता हूँ जो मैंने ऐसे लिखा है। तो उसके लिए मैं यहाँ से मैच केस कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ कंप्यूटर का मेरा सी बड़ा था, उसने वही कंप्यूटर फाइंड किया जिसका सी यहाँ पर बड़ा है। अगर मैं फिर से फाइंड करता हूँ वो कहता पूरे डॉक्यूमेंट में ऐसा कंप्यूटर है ही नहीं, बिकॉज ऐसा सिंगल ही मैंने वर्डिंग लिखी थी जिसका सी कैपिटल हो, और मैच होल वर्ड्स ओनली। इसमें क्या करेगा, अगर आपने कंप्यूटर भी लिखा तो वो कंप्यूटर भी सर्च करेगा, बिकॉज उसके वो पूरे वर्ड्स मैच हो रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा कंप्यूट, कंप्यूटर भी वहाँ सर्च करेगा, बिकॉज यहाँ पर देखिए कंप्यूट भी अवेलेबल है। यहाँ जब मैं सर्च करूँगा कंप्यूट, ये देखिए कंप्यूट यहाँ पर भी आ रहा है, आर भी आ रहा है। तो ये जब मैं सर्च करूँगा यहाँ से उसके अकॉर्डिंग ये सर्च करेगा। फिलहाल यहाँ मुझे कंप्यूटर सर्च करना है, यहाँ देखिए कंप्यूटर सर्च हो रहा है। देन आफ्टर रिप्लेस से क्या होगा, यहाँ पर इसको थोड़ा मैं अप साइड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरा आ जाए मशीन, तो उसके लिए मैं इस वर्ड को रिप्लेस करना चाहता हूँ। या ऐसे मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं अपनी फाइल में जिसको मैं किसी अल्टरनेट वर्ड से रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, रिप्लेस में जाइए। यहाँ पर रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। डिवाइस को आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मशीन, आप वर्ड को सेलेक्ट करके रिप्लेस पर चले जाइए, ऑटोमेटिक ये वर्ड यहाँ पर आ जाएगा जिसको आप रिप्लेस करना चाहो। आप डिवाइस को कन्वर्ट करना चाहते हैं मशीन में, सो यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए। सिंगल रिप्लेस से यही रिप्लेस होगा, रिप्लेस ऑल से होगा, ऑल ओवर जो भी आपने फाइल में जहाँ जहाँ डिवाइस लिखा है। लेकिन ये याद रखिए मैच केस और देन मैच होल वर्ड्स, आपके ये वहाँ पर मैच करने चाहिए नहीं करने चाहिए, ये आपकी नीड है। फिलहाल मुझे करना रिप्लेस। जब मैं रिप्लेस किया यहाँ पर देखिए आ रहा है वर्ड पैड हैज फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। यहाँ पर देखिए मशीन आ गया, मेरा पहले डिवाइस था। सो ऐसे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल से क्या होगा, जो आपने यहाँ डाटा लिखा है वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, इससे आप कट कॉपी पेस्ट या डिलीट कर सकते हैं। डिलीट तो मैंने कर दिया, लेकिन आप इसको दोबारा लेकर आना चाहते हैं यहाँ अंडू का यूज़ कर सकते हैं। अगर फिर से इसको रिमूव करना है यहाँ से रीडू अंडू का यूज़ कर सकते हैं। अंडू मीन्स बैक, रीडू अंडू मीन्स उसको दोबारा उसी जगह पर लेकर आना जहाँ से आप उसको लेकर गए थे। ये देखिए अंडू, रिवर्स, रीडू अंडू, रिपीट्स द लास्ट एक्शन। ऐसे भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ व्यू। व्यू में जूम इन जूम आउट तो हमने कर ही लिया था। यहाँ जो स्लाइड आ रही है मेरे नीचे जूम की, जूम आउट बाय डिफॉल्ट जो मेरा जूम होता है वो होता है फेस का 100%, लेकिन हमने जूम इन किया था सो डैट उसके अंदर देख सकें प्रॉपरली, आप देख सको। रूलर बार देखिए टॉप पर शो हो रही है, अगर आप इसको हाइड करना चाहो हाइड भी कर सकते हैं, शो करना चाहो शो भी कर सकते हैं। सबसे लास्ट में देखिए यहाँ पर स्लाइडर अवेलेबल है, यहाँ पर आपकी नंबरिंग शो कर रहा है जो भी यहाँ जूम किया। आफ्टर डैट देखिए कैप्स लॉक में ऑन ऑफ कर रहा हूँ, यहाँ पर शो कर रहा है। अगर आप चाहो कि स्टेटस बार ना आए यहाँ से, उसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं, हाइड एंड हाइड जो भी आप इसको करना चाहें। देन वर्ड रैप, वर्ड रैप का करेगा, अगर मेरा नो रैप है वो टेक्स्ट को सीधा लिखेगा यहाँ तक मेरा विंडो की ये जो पेज की सेटिंग है पूरी चल रही है, मतलब विंडो के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। रैप टू, नो रैप में कोई रैप नहीं होगा, मतलब सीधा जाएगा। रैप टू विंडो, विंडो के अकॉर्डिंग यहाँ जो मेरा डॉक्यूमेंट शो हो रहा है स्टार्टिंग से एंडिंग तक यहाँ मेरी विंडो डिस्प्ले कर रहा है उसके अकॉर्डिंग रैप करेगा। देन आफ्टर दैट रैप टू रूलर मीन्स यहाँ पर देखिए रूलर यहाँ से बिगनिंग है यहाँ से एंडिंग है उसके अकॉर्डिंग मेरा ये टेक्स्ट को रैप करेगा। देन आफ्टर दैट ये देखिए यहाँ पर जो मेरा रूलर है इसमें जो मेरी मेजरिंग यूनिट है
मेजरमेंट की यूनिट वो है इंचीज में, आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पगाजस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन बाई डिफॉल्ट जो उसकी मेजरमेंट यूनिट होती है वो होती है इंचीज। तो इससे आप देख सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, यहाँ से इसको इंडेंट्स को आगे पीछे भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मेरा कर्सर है, आप इसको कहीं भी लेकर जाना चाहो उसको लेकर आ सकते हैं, अगर पीछे लेकर जाना चाहो पीछे भी ले जा सकते हैं, ये आपकी नीड है। देन आफ्टर डैट ये सारा काम करने के बाद फाइल को सेव करिए, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा सबसे पहले अगर आप काम करते हैं कोई भी ऑफिशियल वर्क करते हैं स्पेशली बिगिनर्स, वो अपने डाटा को सबसे पहले सेव करें। सो मैं इसको सेव करूँगा, फाइल में जाऊँगा, यहाँ से सेव करते हैं, यहाँ से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा सेव एज का, जहाँ पर आप इसको सेव करना चाहो वहाँ पर चले जाएँ, यहाँ पर फाइल का नाम दे दीजिए, मैंने दे लिया कंप्यूटर। यहाँ पर आपको एक और सजेशन दूंगा कि अपनी जब फाइल्स का नाम देते हैं तो अपनी फाइल का फर्स्ट नेम कैपिटल डालिए, एंड आफ्टर उसको सेव कर लीजिए। यहाँ पर भी सेव करना, मैं फिलहाल डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ और ये मेरी फाइल सेव होगी। आफ्टर सेविंग उसको क्लोज कर दीजिए और ये देखिए जो मैंने फाइल सेव की यहाँ डेस्कटॉप पर आ गई, और उसकी एक्सटेंशन देख लीजिए रिच टेक्स्ट फॉर्मेट है, इसका साइज 12.2 MB है। 12.2 MB इतना ज़्यादा क्यों इंक्रीज़ हो गया, बिकॉज जो मैंने पिक्चर उसमें अपलोड की थी उसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा था। यहाँ देखिए मॉडिफाई डेट वगैरह आ रही है, सब कुछ आ रहा है, और जो मेरी वर्ड पैड की एक्सटेंशन है वो .RTF होती है, एग्जाम्स वगैरह में पूछी जा सकती है। तो इसको जब आप क्लिक करेंगे यहाँ देखिए मेरा वर्ड पैड ओपन हो जाएगा, देन आफ्टर डैट ये मेरा MS वर्ड हो गया। अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, ये देखिए ये भी MS वर्ड हो गया, तो आप वर्ड पैड में कैसे अपनी फाइल को ओपन करेंगे, राइट क्लिक करिए, ओपन विद में जाइए, सॉरी यहाँ शेयर हो गया, फिर से कर रहे हैं, राइट क्लिक करिए अपनी फाइल के ऊपर, ओपन विद में जाइए, यहाँ पर देखिए आपको वर्ड पैड देखना करिए, चूज अनदर ऐप कर दीजिए, यहाँ पर मोर एप्स, यहाँ पर देखेंगे वर्ड पैड कहाँ है, ये देखिए दिस वन इज वर्ड पैड, इसको क्लिक करके यहाँ पर कर दीजिए ऑलवेज ओपन दिस ऐप टू ओपन .RTF फाइल्स, RTF फाइल मीन्स वर्ड पैड की जो फाइल्स है वो इस ऑलवेज इसी में ओपन हो, तो ओके कर दीजिए। कई बार ऐसी सेटिंग आपकी चेंज हो जाती है जब आप नया बीच में ऑफिस का वर्जन इंस्टॉल करते हैं, तो आप इसको ऐसे भी सेटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग, यहाँ पर देखिए थोड़ा एरर आ गया है, तो फिलहाल आप ऐसे भी ओपन कर सकते हैं, विंडो R4 रन कीजिए, देन वर्ड पैड लिख दीजिए, देन आफ्टर डैट फाइल में जाकर यहाँ से भी आप अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी मेरी प्रॉब्लम आ गई है डॉक्यूमेंट की, अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करिए, ओपन भी दोबारा इसको वर्ड पैड की जगह MS ऑफिस ओपन कर दिए, ऑफिस में ओपन हो गया, इसको कंट्रोल A से सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल C से कॉपी, और दोबारा यहाँ वर्ड पैड की जो फाइल है कंप्यूटर की उसको ओपन कीजिए, इसको ओके कर दीजिए, और यहाँ पर फिर से करते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम आप भी फेस कर सकते हैं, तो मैं फिलहाल फिर से वर्ड पैड ओपन कर रहा हूँ, ये देखिए ओके किया, देखिए ये प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं। सो जब फाइल यहाँ पर मेरी ओपन होगी तो इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दीजिए जो मैंने वहाँ से डाटा इंसर्ट किया था, जो मेरी फाइल वहाँ पर ओपन हो रही थी MS वर्ड की, मैंने सबसे पहले क्या किया MS वर्ड को ओपन किया, वहाँ से पूरे डाटे को कंट्रोल A की हेल्प से कॉपी कर लिया दिस वन, देन आफ्टर डैट कॉपी करने के बाद मैंने नॉर्मल वर्ड पैड खोला, बिकॉज ये मेरी फाइल ओपन नहीं हो रही थी, क्यों नहीं हो रही थी, बिकॉज जो मैंने इसकी सेटिंग थी वो मैंने MS वर्ड की हेल्प से की थी, और वो जो मेरा फॉर्मेट था MS वर्ड की जो फाइल थी उसमें सपोर्ट कर रहा था, RTF में सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो मैंने क्या किया उस फाइल के टेक्स्ट को कॉपी किया और अगेन वर्ड पैड की न्यू फाइल ली और उसमें वो टेक्स्ट पेस्ट कर दिया, और फिर से फाइल को मैं सेव कर लूँगा। फाइल को फिर से सेम नेम से सेव कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी फाइल रिप्लेस हो जाएगी कंप्यूटर, जैसे आपने वहां पर कंप्यूटर लिखा था वैसे लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैसेज आएगा उसको यस कर दीजिए, ओके कहता किसी और उस डॉक्यूमेंट में सेव करें नेम में, सो मैं आपको इसको देता हूँ कंप्यूटर टू, इसको सेव कर दीजिए ना, यहाँ पर ये मेरी फाइल सेव हो गई है, ये देखिए अब ये मेरी फाइल ओपन होगी। ऐसे कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आप भी इन प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं, सो मैं आपको पहले से सजेस्ट करूंगा अगर ऐसी की प्रॉब्लम हो तो अपने डाटे का बैकअप रखिए, तो चलिए इतना इंपॉर्टेंट डाटा नहीं था, लेकिन कई बार ऐसी बार मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आती है, आपके जो फाइल का डाटा करप्ट वगैरह हो जाता है, तो आपका जिस फॉर्मेट में फाइल पहले ओपन हो रही थी उसी में ओपन करें, डाटे को कॉपी करें, देन जो भी आपकी फाइल कोई भी आप फाइल बना रहे हैं एक्सेल की या वर्ड पैड की ओपन ऑफिस की है या कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसकी अगेन उसमें कॉपी पेस्ट कर दीजिए, देन आपको वो डाटा मिल जाएगा, उसके बाद आपको उसको कॉपी पेस्ट कट पेस्ट या रीनेम वगैरह कर सकते हैं अपनी फाइल को, ये आपके लिए बेनिफिशियल है और
आपके लिए एक बैकअप का काम करेगा। सो फ्रेंड्स, इसको करके देखिए, कोई भी आप प्रॉब्लम फेस करते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, सो डैट वो भी इन कमांड्स का यूज़ करके अपने काम को बेनिफिशियल और अपना टाइम सेव कर सकें। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।